मैहर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा दामोदर रोपवे इंफ्रा कंपनी मां शारदा पहाड़ी में संचालित रोपवे के किराए वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद SDM धर्मेंद्र मिश्रा ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों को समिति में प्रस्ताव के माध्यम से रखा जाएगा और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। मैहर में शारदा पहाड़ी में संचालित रोपवे कंपनी द्वारा किराया वृद्धि को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और अपनी 4 सूत्री मांगों को रखते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों द्वारा दामोदर रोपवे में तालाबंदी करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी इस योजना को पूरी तरह से असफल कर दिया। हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने कांग्रेसियों को खदेड़ा व गेट में प्रवेश नहीं करने दिया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धर्मेश घई और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि मूल वृद्धि को लेकर किराया वापस किया जाए, विकलांगों के साथ एक अटेंडेंट को भी जाने दिया जाए। इसके साथ और भी मांगों को ज्ञापन में लिखा गया, जिसके बाद मेयर SDM धर्मेंद्र मिश्रा ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों को समिति में प्रस्ताव के माध्यम से रखा जाएगा और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं विरोध प्रदर्शन में SDM धर्मेंद्र मिश्रा, SDOP लोकेश डावर, थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी सहित 4 थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, जिन्होंने आंदोलन को सफल नहीं होने दिया और ताला नहीं लगने दिया। आज हम लोग ब्लॉक कांग्रेस मैहर की अगुवाई में मैहर के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया है और मैहर के SDM को हमने ज्ञापन पत्र सौंपा है कि तत्काल रोपवे की दरें जो बढ़ाई गई हैं उन्हें वापस ली जाए। प्रशासक महोदय और अनुभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि आपके द्वारा दिए गए ज्ञापन पत्र में बढ़े हुए किराए को वापस लेने के लिए तत्काल प्रभाव से समिति की बैठक बुलाकर समिति के बैठक में उस प्रस्ताव को रखकर विचार करके किराया कम करने का काम किया जाएगा, ये प्रशासक महोदय ने आश्वासन दिया। मैहर के रोपवे प्रबंधन के द्वारा ये जो अनावश्यक रूप से 34 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, ये हमारे यात्रियों के जो बाहर से आते हैं और मैहर वासियों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, लूट है। हम सब ने आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये आज धरना प्रदर्शन किया और तालाबंदी रोपवे में की। क्या आपको पता है इन्होंने 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया हुआ है, एक तो जो रोपवे का किराया भी बीच में बढ़ा है उसको कम करने के लिए, कुछ व्यवस्थाओं के लिए, विकलांग के साथ एक को फ्री जाने के लिए, शौचालय इत्यादि व्यवस्थाओं के लिए 4 सूत्री ज्ञापन दिया है। आज कांग्रेस द्वारा जो तालाबंदी का लेके आंदोलन किया गया, उसमें पुलिस बल की व्यवस्था रोपवे परिसर में चारों लगाई गई थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास किया गया अंदर घुसने का, जिसमें पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया, फिर भी उन्हें तालाबंदी नहीं करने दी गई और बाद में SDM महोदय द्वारा आवेदन लेके संबंधित कार्यकर्ताओं, उनके कांग्रेस के पदाधिकारियों को बता दिया गया कि आपकी जो भी आवेदन है वो ऊपर तक पहुँचाया जाएगा, जिस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।